गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंदर वर्मा आज आपके लिए एमए फाइनल जियोग्राफी का जो कृषि भूगोल का जो पेपर है उसका कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोस्त्रो विकी के अनुसार कृषि प्रकार की लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है यह टॉपिक आपको पसंद आएगा। यदि यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर व कमेंट्स करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अपडेट भी उनको उपलब्ध हो सकें। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कोस्त्रो विकी के अनुसार कृषि प्रकार की, जिसमें हम देखते हैं कृषि प्रकार की। कृषि प्रकार की का अर्थ कृषि प्रकार के विश्लेषण से है, जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट प्रदेश में विकसित कृषिगत स्वरूपों के प्रारूपों की समीक्षा की जाती है। यानी कृषि प्रकार की का अर्थ कृषि प्रकार के विश्लेषण से है, जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट प्रदेश में विकसित कृषिगत स्वरूपों के प्रारूपों की समीक्षा की जाती है। विगत वर्षों में विद्वानों ने कृषि विशेषताओं के लिए प्रादेशिक, राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर अध्ययन किया, जिनके परिणाम समान थे, जिसका प्रमुख कारण क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। यानी विगत वर्षों में विद्वानों ने कृषि विशेषताओं के लिए प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर अध्ययन किया, जिसके परिणाम असमान थे, जिनका प्रमुख कारण क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। कृषि प्रकार की नियोजन में अधिक महत्वपूर्ण है। कृषि विकास की समस्याओं का हल करने में कृषि भूगोल का वैज्ञानिक विषय का विकास करना आवश्यक है, जिसके कृषि समानता व असमानता को आसानी से समझा जा सके इसी प्रकार तंत्र सिद्धांत के आधार पर कृषि के अध्ययन के लिए उपसमुच्चय दिए गए हैं। यानी तंत्र जो सिद्धांत है उसके आधार पर कृषि अध्ययन के लिए उपसमुच्चय दिए गए हैं, जो मुख्यतः चार हैं, जिसमें फर्स्ट है कृषि संचालन प्रक्रिया में लगने वाला विनियोग। यानी फर्स्ट जो उपसमुच्चय है वो है कृषि संचालन प्रक्रिया में लगने वाला विनियोग। सेकंड है कृषि उत्पादन, उत्पादकता तथा उत्पादों का वितरण। थर्ड है पशुपालन तथा फसलों के आधार पर सुनिश्चित कृषि संरचना। फोर्थ है कृषि का सामाजिक पक्ष भूमि व्यवस्थापन से जुड़ा हुआ है। ये समुच्चय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये सभी मिलकर कृषि स्वरूप का निर्धारण करते हैं। यानी ये जो चारों समुच्चय हैं ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये सभी मिलकर ही कृषि स्वरूप का निर्धारण करते हैं। इन्हीं के आधार पर कृषि का वर्गीकृत किया जा सकता है। कृषि विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए कृषि प्रकार की को प्रारंभिक योजना सर्वप्रथम पोलैंड में बनाई गई थी। यानी कृषि जो विशेषताएं हैं इनको बेहतर ढंग से समझने के लिए कृषि प्रकार की जो योजना है सर्वप्रथम पोलैंड में बनाई गई थी। यह योजना कृषि प्रकार की सिद्धांतों व विधियों के व्यापारिक विचार विमर्श पर आधारित थी। अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक परिषद के कृषि प्रकार की आयोग द्वारा प्रादेशिक सम्मेलनों में कृषि प्रकार की पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। इससे आगे आता है कृषि प्रकार की के उद्देश्य। सामूहिक रूप में कृषि संगठनों का सरल योग मात्र नहीं है। सेकंड है कृषि प्रकार की संकल्पना ये प्रकृति क्रमबद्ध व वर्गीकरणात्मक होती है। यानी कृषि प्रकार की संकल्पना की जो प्रकृति है क्रमबद्ध व वर्गीकरणात्मक होती है।
कृषि के प्रकार का विचार पदानुक्रमीय होता है, यानी कृषि के जो प्रकार का जो विचार है पदानुक्रमीय होता है। कृषि प्रकार की संकल्पना गत्यात्मक है। कृषि प्रकार की जो संकल्पना है वो गत्यात्मक है। प्रकारात्मक अध्ययनों की अधिक प्रभावी तथा तुलनीय बनाने के लिए उपयुक्त चरों का चयन करना आवश्यक है। इसी प्रकार कृषि प्रकार के अध्ययन में आंकड़ों के विश्लेषण हेतु अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें है कोस्त्रोविकी की आलेखी विधि, सूचकांक में चरों की समूहन विधि, थर्ड है कारक विश्लेषण विधि। इसी प्रकार कोस्त्रोविकी ने मॉडल टाइपोग्राम के आधार पर कृषि प्रकार का निर्धारण किया है, यानी कोस्त्रोविकी ने मॉडल टाइपोग्राम के आधार पर कृषि प्रकार का निर्धारण किया है। इस विधि में चरों का चुनाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये है कोस्त्रोविकी के अनुसार मॉडल टोपोग्राम, जिसमें भूधारण पद्धति दे रखी है। इसी प्रकार औसत खेतों का आकार, श्रम उत्पादकता, भूमि उपयोग महानता, भूमि उत्पादकता, जैव उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, सर्वाधिक फसल की मात्रा, यांत्रिक शक्ति की निवेश, पशु श्रम निवेश, श्रम निवेश, सिंचाई का विस्तार, व्यापारिक फसलों का स्तर। तो ये है कोस्त्रोविकी के अनुसार मॉडल टोपोग्राम। इससे आगे आता है कृषि प्रकार के वर्गीकरण की विधि। कृषि प्रकार के वर्गीकरण की विधि, सूक्ष्म स्तर पर कृषि की विशेषताओं के प्रकारों के वर्गीकरण हेतु संक्रियात्मक जोत सर्वोत्तम इकाई होती है। यानी सूक्ष्म स्तर पर कृषि की विशेषताओं के प्रकारों के वर्गीकरण हेतु संक्रियात्मक जोत सर्वोत्तम इकाई होती है, जो कृषि की वास्तविक इकाई है। वृहद स्तर पर इसका औसत प्राप्त किया जाता है। शेष चरों के निरपेक्ष मूल्यों को तुलनीय बनाने के लिए निरपेक्ष मूल्य में परिवर्तित कर लिया जाता है तथा विविध इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। विश्व की कृषि प्रकार की पर अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक परिषद ने निश्चय किया कि कृषि के प्रकारकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाए। इससे आगे है कृषि विशेषताओं को चार भागों में विभाजित किया गया है, यानी जो कृषि विशेषताएं हैं उनको मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया गया है, सामाजिक, संगठनात्मक, उत्पादन और संरचनात्मक। ये मुख्यतः कृषि की चार विशेषताएं हैं, जिसमें इससे आगे है कोस्त्रोविकी के अनुसार 1972 की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संगठन द्वारा कृषि प्रकार की व्याख्या हेतु सूत्र दिया है, टी बराबर एस ओ अपॉन पी गुणा सी। टी का मतलब है कृषि का प्रकार, एस का मतलब है सामाजिक चर, ओ का मतलब है संगठनात्मक चर, पी का मतलब है उत्पादन संबंधी चर और सी का मतलब है संरचनात्मक चर। तो इस प्रकार कोस्त्रोवी ने कृषि प्रकार की व्याख्या के लिए निम्न सूत्र दिया है, जिसमें फर्स्ट आता है सामाजिक चर, जिसे एस अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें दे रखा है भूमि का स्वामित्व, भूमि उद्यम, इसी में है जोत का आकार, प्रति व्यक्ति
कृषक के रूप में, कहने का मतलब प्रति व्यक्ति कृषक के पास कितनी जोत का आकार है। सेकंड है जोत का आकार कृषि भूमि के रूप में, यानी जो कृषि भूमि है उस रूप में भी जोत का आकार कैसा है। इससे आगे है जोत का आकार संपूर्ण उत्पादन के रूप में, यानी जो क्षेत्र है उसमें संपूर्ण उत्पादन कितना होता है। इसी प्रकार छठा है जोत का आकार पशुपालन के रूप में, कहने का मतलब जिस क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसमें कितने मात्रा में पशुपालन कार्य किया जाता है। और सातवां है इसमें प्रति जोत कृषकों की संख्या, क्रियाशील व्यक्तियों की संख्या, कहने का मतलब कृषि कार्य में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं। तो ये तो था सामाजिक चर, जिसे एस अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें मुख्यतः 7 पॉइंट दे रखे हैं, भूमि का स्वामित्व, भूमि उद्यम, जोत का आकार प्रति व्यक्ति के रूप में, जोत का आकार कृषि भूमि के रूप में, जोत का आकार संपूर्ण उत्पादन के रूप में, जोत का आकार पशुपालन के रूप में, और प्रति जोत कृषकों की संख्या, क्रियाशील व्यक्तियों की संख्या। सेकंड आता है इसमें संगठनात्मक चर, जिसे ओ अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें फर्स्ट है भूमि में प्रयुक्त मानवीय श्रम व क्रियाशील व्यक्तियों की संख्या, यानी फर्स्ट है भूमि में प्रयुक्त मानवीय श्रम व क्रियाशील व्यक्तियों की संख्या। सेकंड है कृषि भूमि में प्रयुक्त कुल पशु शक्ति, यानी जो कृषि भूमि है उसमें कुल कितने पशुओं को कार्य के लिए उपयोग लिया जाता है। थर्ड है प्रति 100 हेक्टेयर कृषि भूमि पर प्रयुक्त मशीनी शक्ति, यानी प्रति 100 हेक्टेयर कृषि भूमि पर प्रयुक्त मशीनी शक्ति, 1 हेक्टेयर में लगभग 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। इससे आगे है कृषि भूमि में प्रयुक्त रासायनिक खाद की मात्रा, यानी फोर्थ में जो पॉइंट है उसमें दे रखा है रासायनिक जो खाद है कितनी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ है कुल कृषि भूमि में सिंचित भूमि का अनुपात, जो भी कृषि भूमि है उसमें सिंचित भूमि कितनी है उसका अनुपात। सिक्स्थ है कुल कृषि भूमि में वार्षिक फसल का प्रतिशत, यानी जो कुल कृषि भूमि है उसमें वार्षिक फसलें का जो प्रतिशत है वो क्या है। इससे आगे है प्रति जोत 100 हेक्टेयर भूमि पर पशुपालन की सघनता, और कितनी मात्रा में 100 हेक्टेयर भूमि में पशुपालन कार्य किया जाता है। तो ये सभी बिंदु आते हैं संगठनात्मक चर में, जिसे ओ अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। इससे अगला आता है उत्पादन संबंधी चर, जिसे पी अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कहने का मतलब उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन, जिसे पी अक्षर के द्वारा, संगठन का था ऑर्गेनाइजेशन ओ अक्षर के द्वारा। इसमें उत्पादन संबंधी चर में फर्स्ट आता है एकल कृषि भूमि की सकल उत्पादकता, सेकंड है कुल जोती गई भूमि की उत्पादकता, थर्ड है कृषि उत्पादकता, कृषि में लगे हुए सक्रिय व्यक्तियों का सकल उत्पादन, फोर्थ है कुल उत्पादन में वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन, यानी जो कुल उत्पादन किया जाता है उसमें वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन कितना होता है। फिफ्थ है प्रति हेक्टेयर वाणिज्यिक कृषि का उत्पादन, यानी फिफ्थ जो पॉइंट है उसमें प्रति हेक्टेयर में वाणिज्यिक जो कृषि है, जैसे चाय है, गन्ना है, कपास है, इनका उत्पादन कितना होता है प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में। इसी प्रकार सिक्स्थ है वाणिज्यिक श्रम उत्पादक कृषि में प्रयुक्त प्रति व्यक्ति विक्रय, और सेवंथ है फसल प्रारूप में विशिष्टीकरण का स्तर। तो ये सभी चर आते हैं उत्पादन संबंधी चर में। इससे आगे आता है फोर्थ जो पॉइंट है वो है संरचनात्मक चर, जिसे सी अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है वार्षिक या अर्धवार्षिक फसलें, यानी फर्स्ट इसमें जो पॉइंट है वार्षिक या अर्धवार्षिक फसलें, वार्षिक फसलें कितनी बोई जाती हैं, अर्धवार्षिक फसलें कितनी बोई जाती हैं। सेकंड है स्थाई चारागाह है कुल कृषि भूमि में प्रतिशत, यानी जो सेकंड पॉइंट है उसमें स्थाई चारागाह है कुल कृषि योग्य भूमि में कितना आता है।
फोर्थ है खाद्यान्न फसलें, कुल कृषि भूमि में खाद्यान्न फसलें कितनी बोई जाती हैं। इससे आगे है उत्पादन की ओर उन्मुखता, इससे आगे है वाणिज्यकरण की ओर उन्मुखता। लास्ट पॉइंट है इसमें औद्योगिक फसलों का उत्पादन, औद्योगिक फसलों का प्रतिशत, यानी ऐसी फसलें जिनके ऊपर उद्योग निर्भर होते हैं, जैसे दलहन उद्योग है, तेल मिलें हैं, रबर उद्योग है, चीनी उद्योग है, ये सभी क्या हैं, एक प्रकार से औद्योगिक फसलें हैं, जैसे गन्ना है, कपास है, दलहन है, तिलहन फसलें हैं, ये सभी एक प्रकार से औद्योगिक फसलें हैं। तो इन औद्योगिक फसलों का उत्पादन और औद्योगिक फसलों का प्रतिशत, तो इन उपयुक्त जो चार चर हैं इन्हीं के आधार पर कृषि प्रकार की ज्ञात करने के लिए चरों को समान मूल्य में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। तो ये था आज का अपना जो टॉपिक था कृषि प्रकार की कोस्त्रोविकी के अनुसार। मुझे उम्मीद है यह टॉपिक आपको, यदि यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें आगे के अपडेट भी उपलब्ध हो सकें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।